सत्ता के लालची कुछ लोग अपने आप को बदल देते हैं, जमीन को बदल देते हैं, इससे गरीब खिलौनी कोई बात नहीं हो सकती। तो आज भाजपा आरएसएस का साथ दे रहे हैं वो नामर्द हो गए। इस देश में 16% लोग वो हम पर शासन कर रहे हैं और हम लोग भेड़ और बकरियों की तरह हैं, उनके सामने अपने आगे पीछे उनके घूम रहे हैं। ये धिक्कार है। SC ST OBC अगर आप मिलकर नहीं चले तो निश्चित जान लीजिए कि आपको गुलामी के दौर में धकेला जाएगा और आप जाकर भी कुछ बोल नहीं पाओगे, आपको मारा जाएगा। उससे प्रतिबंध लग गया, लेकिन अफसोस की बात है भारत ने इसमें इतनी जोरदार मांग करने के बाद कि सरकार इस मुद्दे को नहीं छोड़ रही है, इसका बस कहीं ना कहीं मुकाबला जरूर है इसमें। और मेरा कभी विश्वास यही है, मैंने कुछ लोगों को देखा था ट्रेन में बात करते हुए, मैं सफर कर रहा था ट्रेन में, वो आपस में बात कर रहे थे, मैं लेटा हुआ था आराम से, उन्हें पता था शायद ये सो रहा होगा, कुछ दिन 10-15 लोग थे वो पूरे डब्बे में रहते हैं, वो बात कर रहे थे बैठते हुए, वहां जाके हमें ये काम कर रहा है, हमारे खिलाफ कौन करेगा ये काम, ये तो बहुत जरूरी है। अरे मशीन में चेंजिंग काम भी है, दूसरा कुछ मुश्किल काम भी है, कई लोग जा रहे थे कहीं चुनाव में, तो इसलिए मुझे पूरा यकीन हुआ दिन से कि हाँ इसमें जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ है और EVM के सहारे ये सरकार जो है वो बेईमानी से चुनाव जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए EVM पे प्रतिबंध होना चाहिए। दोस्तों ठेकेदारी प्रथा निजीकरण क्या है? ठेकेदारी प्रथा इस देश में दबे कुचले लोगों को और दबाने का और बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा सोची समझे चाल है, ये तरीका है, क्योंकि जिस देश को समाज को प्रांत को या समाज को गुलाम बनाना हो तो उसकी आर्थिक कमर पहले तो होगी, और ये ठेकेदारी प्रथा हम लोगों की बहुसंख्यक के समाज की कमर तोड़ने के लिए हथियार है, क्योंकि आप जानते हैं इस भारत देश में यही वो तबका है जो जमीन जायदाद से संपत्ति से वंचित है और भूमि ही नहीं, जो लोग बड़े बड़े जमींदार हैं, भूमि जिनके पास में है वो तो शहंशाह है इस देश के, लेकिन भूमि के पास में केवल कुल मिला के एक आसरा रहता है रोजगार का, नौकरी का, और नौकरी तमाम संस्थाएं हमारे देश की नौकरियों को ठेकेदारी में तब्दील कर रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि करना क्या चाहते हैं। एक तरफ तो मनवा की तैयारी और दूसरी तरफ हमारे कमर तोड़ने का प्रयास, कुल मिलाकर हम सब लोगों को गुलाम बनाकर ये अपने जंगल में रखना चाहते हैं, अपना राज करना चाहते हैं। मैं दावे से कहता हूं कि आज का जो शासन है वो शासन तानाशाह है। मैं ये नहीं कहता कि हमें बहुत सारी सरकारों के टाइम में हमें पहले बड़ा न्याय मिला है, लेकिन एक बात जरूर मैं ठोक के कह सकता हूं कि जितना अन्याय अत्याचार बदसलूक की हमें अब सहनी पड़ रही है शायद इससे पहले कभी इतना नहीं हुआ था, ये हमें देखना पड़ेगा। कई लोगों ने चिंता व्यक्त की है, मैं भी उसी में थोड़ा समय कम दिया है 3-2-3 मिनट का, मैं भी अपने आप को उनके साथ जोड़ता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोफेसर साहब यहाँ बोल के गए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, हमारे बघेल साहब जो आए थे मध्य प्रदेश से बोल के गए बहुत अच्छा लगा, भाई हमारे उसके भाई यहाँ खड़े थे बोल रहे थे, मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूँ और यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, वास्तव में अगर आप SC ST OBC अगर आप मिलकर नहीं चले तो निश्चित जान लीजिए कि आपको गुलामी के दौर में धकेला जाएगा और आप जाकर भी कुछ बोल नहीं पाओगे।
आपको मारा जाएगा, लेकिन आपको रोने भी नहीं दिया जाएगा। पहले चाहता हूं आपसे, इसलिए आप बेहतर होगा, समय रहते आप समझ जाएंगे, एकजुटता से काम करेंगे। सही कहा है, इस देश में 16% लोग हम पर शासन कर रहे हैं और हम लोग पेड़ बकरियों की तरह उनके सामने अपने आगे पीछे उनके घूम रहे हैं, ये धिक्कार है। मैं तो इस बात को कहनी चाहता हूं इस मंच से कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग इनके मुकदमा कर देना चाहे, तो आज भाजपा आरएसएस का साथ दे रहे हैं, वो नामर्द हो गए, वो समाज का प्रतिनिधित्व करने के लायक नहीं है। इसलिए हमारे समाज का, मजदूरों का, गरीबों का, बहुसंख्यक समाज का वही प्रतिनिधि हो सकता है जो ठोस करके के साथ खड़ा हो और इनकी नुमाइंदगी करे, इनके साथ रहे, उस तरह देखेंगे। लेकिन सत्ता के लालची कुछ लोग अपने आप को बदल देते हैं, जमीन को बदल देते हैं, इससे गिरी झिड़ोनी कोई बात नहीं हो सकती। मैं ज्यादा लंबा ना कहते हुए आपको यही कहना चाहूंगा कि मैं वकील साहब हमेशा आपके साथ था, हूं और आगे भी रहूंगा, यह से मैं वादा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।